हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 25 सितंबर 2023। आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर को देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसी है। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? ओसिरिस रेक्स मिशन ये किसका है? ये है अमेरिका का। और लॉन्च इसे कब किए थे? तो इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बेनु क्षुद्र ग्रह से। यह बेनु क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओसिरिस रेक्स मिशन क्षुद्र ग्रह से संबंधित है और बेनु क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2016 में यूएसए ने भेजा था, ठीक। और ये वहां से नव ओस या 250 ग्राम धूल लेके वापस आया है। कब? 24 सितंबर 2023 को। उसमें लगे कैप्सूल 250 ग्राम धूल लेके वापस आ गए हैं। और रिटर्न कहाँ पे हुआ? यूएसए के उताह डेजर्ट पे। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या है। आपका सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया और ये जुपिटर। इन जुपिटर और मार्स के बीच में जो बेल्ट पाया जाता है उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मार्स के छोटे छोटे टुकड़े ही हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं चंद्रयान 3, यह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है LVM3M4 से। और कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को। और यह कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पे। याद रखना। और ये जिस सतह पे उतरा है उसे शिव शक्ति कहते हैं। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। याद रखना, बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लूपेक्स। लूपेक्स या चांद के लिए भेजा जाने वाला मिशन है। और कौन भेजेगा? तो इसे भेजेंगे इंडिया और जापान, इसरो और जाक्सा। याद रखना। नेक्स्ट है कि DSSAR यह किस रॉकेट से भेजा गया? तो PSLV C-56। और यह कहाँ का रॉकेट है? तो सिंगापुर का रॉकेट है। अब देखते हैं कि NVS-01 यह किस रॉकेट से भेजा गया? तो GSLV-F12 यह जो है नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। और Luna-25 यह रूस का चांद मिशन था लेकिन यह फेल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न दूसरा कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता? तो ये जीते हैं दो खेलों में। एक तो जीते हैं क्रिकेट में और दूसरा जीते हैं शूटिंग में, ठीक। एक क्रिकेट में और दूसरा शूटिंग में जीते हैं। अब आपको बता दें कि जो है 19वें आसियान गेम्स ये खेला जा रहा है कहाँ पे? चीन के हांगझोउ शहर। 1991 में कहाँ खेला गया था? तो दिल्ली में खेला गया था। इसका पहली बार आयोजन दिल्ली में हुआ था। 2018 का आयोजन जकार्ता में हुआ था, ये 18वां क्रम था। और 2023 में हांगझोउ में हुआ है जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, यह 19वें क्रम का है। और इसमें ध्वजवाहक कौन है? लवलीना हरमनप्रीत। लवलीना जो है बॉक्सिंग की हैं, हरमनप्रीत हॉकी की हैं। याद रखना। सेकंड इसमें भारत ने 2 गोल्ड जीत लिया है। एक तो शूटिंग में जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। और कौन कौन जीते हैं? ऐश्वर्य, रुद्राक्ष और दिव्यांश, ये 3 जीते हैं। और महिला क्रिकेट में भारत ने इसमें पहला अपना गोल्ड जीता है महिला क्रिकेट टीम में। और इसकी कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के गोल्ड मेडल जीत ली है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसको देखते हैं। कि जैसे 26वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में होगा। और राष्ट्रीय खेल 37 कहाँ पे हुआ? तो यह गोवा में होगा। तो कहाँ पे हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। और 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ? तो यह हुआ होगा पेरिस में। और 28 वाला कहाँ पे होगा? तो 28 वाला होगा लॉस एंजल्स में। G21 अब जो G21 हो गया है, G20 जो कि वर्तमान में G21 हो गया है, इसका आयोजन 2024 में ब्राजील में होगा। और COP28 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह UAE में होगा। और COP27 का मिस्र में होगा, किस जगह पे? शर्म अल शेख में हुआ था। सेकंड देख लेते हैं, थर्ड प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 सितंबर को 25 सितंबर को सॉरी
विश्व फार्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नदी दिवस। 25 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व फार्मासिस्ट का मुख्यालय है द हेग में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1912 में, याद रखना। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 7 सितंबर को इंटरनेशनल पुलिस डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 26 दिसंबर को, याद रखना 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। यह पहली बार मनाया गया है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तब से जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अब इसको देखते हैं कि इसका स्टार्ट किसने करा है, तो यूएनओ ने किया है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और क्यों स्टार्ट किया गया है? ग्लोबल साउथ की क्षमता बढ़ाने के लिए। ग्लोबल साउथ का अर्थ होता है कि जो विकासशील देश हैं उनका विकास करने के लिए, जो विभिन्न महाद्वीपों में है, जैसे एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है और साउथ अमेरिका में है, इन विकासशील देशों का विकास करने के लिए। अब देखते हैं कुछ महत्व, अब देखते हैं कि यूएनए का स्थापना कब हुआ था। यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें नवीनतम देश कितने हैं? तो इसमें नवीनतम देश है टोटल 193 देश हैं। नवीनतम है साउथ सूडान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में है। और इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल ने। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मार्कावा मार्क 5 यह एक युद्धक टैंक है। इसको लॉन्च किसने किया है, मतलब इसका अनावरण इजराइल ने किया है। यह 5G यानी कि पांचवा पीढ़ी का युद्धक टैंक है। इसमें जो है कवच है, मिसाइल है और हेलमेट है, ये तीनों इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण मिसाइल कहाँ के, ये जो खैबर और फतेह है ये दोनों ईरान की मिसाइल है। ओरन जो है यह इजराइल का मिसाइल है। और इसके बाद वरुणास्त्र क्या है, यह हैवीवेट टारपीडो है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और 75% ODF प्लस मतलब खुले में शौच से मुक्त हो गया है। और 100% कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 से 25 तक, याद रखना। कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। और कुछ मंत्री देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। और पहले महिला मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। कानून मंत्री कौन है? अभी आपने देखा कि अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है, आज इस पर एक वीडियो लेके आएंगे, आप जरूर उसको देख लेना। यह 128वां बिल है। और पृथ्वी मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यह है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक भसीन। अब इसका देखते हैं कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांबे महाराष्ट्र में है। इसकी जब स्थापना हुई तो इसका नाम बार्क नहीं था। तो इसका नाम कब बदल के रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था 1966 में, तब इसका नाम हो गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बने हैं। अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ है उसको देख लेते हैं कि AK मोहंती हेड किसके हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड हैं, याद रखना। और प्रवीण सूद किसके हेड हैं? तो CBI के हेड हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेड हैं। और सोमनाथ जी किसके हैं? इसरो के हेड हैं। अब राजीव गाबा कौन है? तो इनका सबसे लंबा कार्यकाल हो गया है, ये हैं कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हो जाएगा झारखंड में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड और बिहार में मनाया जाता है, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड 2000 में बना है, ठीक, सन 2000 में बना था। और यह जो है कब मनाया जाता है? तो यह पूजा मनाया जाता है भाद्रपद की 11वीं को। यह क्या दर्शाता है? तो यह भाई बहन का प्यार दर्शाता है।
और इसके बाद कर्म वृक्ष की पूजा दर्शाता है। ठीक, इसमें जो है कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है, भाई बहन का प्यार दर्शाता है। अब देखते हैं कि यह कौन मनाता है, ये कौन सी जनजाति, तो बेंगा, उराव और मझमार ये जनजातियाँ जो है इस त्यौहार को मनाती हैं। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार किस राज्य के हैं, जैसे केर पूजा और खारची, ये दोनों जो हैं त्रिपुरा के उत्सव हैं। ठीक, अब सरहुल झारखंड का है और कर्मा पूजा भी झारखंड का है। अब देखते हैं बोनालू, बोनालू कहाँ का है, बोनालू तेलंगाना का है। और इसके बाद लोसर लद्दाख का है और लोसांग सिक्किम का है। और सूरज कुंड मेला यह हरियाणा में मनाया गया, और हरियाणा के किस जिले में, तो फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला कहाँ पे होता है, तो ये फरीदाबाद में होता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की नई प्रजाति कहाँ खोजी, तो सी रॉबिन्स की प्रजाति कहाँ खोजी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बंगाल में इसने सी रॉबिन्स मछली की एक नई प्रजाति खोजी है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय देख लेते हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है IUCN। IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 की हुई थी। को हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय है ग्लेंड स्विट्जरलैंड में। अब WWF की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी हेडक्वार्टर है ग्लेंड स्विट्जरलैंड में। और UNEP की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में। याद रखना, UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ, तो बोन जर्मनी में। याद रखना, आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया, तो कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। और किसने किया, तो वहाँ के गवर्नर कौन है, आनंद बोस जी ने ये किया है। इसमें जो है एक सम्मान भी दिया जाएगा, जिसका नाम है 108 दुर्गा सम्मान। याद रखना, 108 दुर्गा सम्मान है, और यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के स्मृति में यह सम्मान दिया जाएगा। अब देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना करी थी, कहाँ करे थे, तो कोलकाता में किए थे। इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है हेरिटेज में, तो यह 41वें क्रम का शांति निकेतन जो है 41वें क्रम का हेरिटेज बन गया है। और 42वें क्रम का कौन था, तो 42वें क्रम का था होयसल टेम्पल। यह कहाँ है, यह कर्नाटक में है। याद रखना, होयसल टेम्पल कर्नाटक में 42वां हेरिटेज है, और 41वां जो है शांति निकेतन बना, जो कि कलकत्ता में है। अब जो है इसी का नाम बदल के विश्व भारती कब किया गया था, तो 1921 में जो है विश्व भारती कर दिया गया था, और यह विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। तो स्टूडेंट, आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें, जैसा कि मैंने आपको UNA के बारे में बताया है, अभी इसका जो है आज इसका फुल डिटेल वीडियो 10 मिनट में पूरा, इसके कितने संगठन हैं और इसमें सबकी मतलब मुख्यालय सबका कहाँ पे है, वर्तमान में सबके सचिव कौन हैं, इनमें जो वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सब पर आधारित एक वीडियो 10 मिनट की होगी, आप उसको जरूर देख लेना। इसके बाद कानून मंत्री, जो कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, अर्जुन मेघवाल जी हैं। इन्होंने महिला आरक्षण बिल पे एक बिल पेश किया है, जो 128वें क्रम का है। इसके बारे में भी आज एक वीडियो बना के आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, तो देख लेना, 10 10 मिनट की वीडियो होगी। तो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद जय भारत।